संस्थापक हरिबहादुर गुरुंग फाउंडेशन और उपाध्यक्ष। मैं आप लोग सभी को सर्वप्रथम तो सादर अभिवादन करना चाहता हूँ हमारे इनविटेशन को आप लोगों ने स्वीकार करते हुए आए। और आज हम लोग एक ऐतिहासिक कार्य करने जा रहे हैं जिसके विषय में आप लोगों के मार्फत से सभी जन समूहों के बीच में पहुंचाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम हमारे खोए हुए महान सपूत लोग जितने भी हैं उन लोगों को खोज के बाहर निकालना, अपना इतिहास जो है जिन्होंने ऐतिहासिक काम किए हैं उन लोगों को बाहर निकाल के स्थापित करना। इसी क्रम में हरिबहादुर गुरुंग फाउंडेशन का जन्म हुआ है। हरिबहादुर गुरुंग फाउंडेशन का पहला कार्य हम लोगों ने सोचा है कि हरिबहादुर गुरुंग का 50 फीट ऊंचाई वाला एक शालिक निर्माण करना और उसके साथ साथ संपूर्ण भारत के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात ऐतिहासिक कार्य करने वाले गोरखा विभूतियाँ हैं उन विभूतियों को स्थापित करके एक संग्रहालय प्रथम दृष्टया हम लोग करने जा रहे हैं। और हरिबहादुर गुरुंग फाउंडेशन ने विशेष करके जिन व्यक्ति ने स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले अपना सब कुछ त्याग करते हुए देश के स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़े उन लोगों को स्थापित करना और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में जब सरकार होती है तो सरकार गणतंत्र को गणतांत्रिक सरकार को चलाने के लिए जो संविधान निर्माण किया गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में उस टीम में सम्मिलित होने वाले हमारे इस क्षेत्र के एक प्रतिनिधि थे और विशेष करके गोरखा जातियों के एकमात्र प्रतिनिधि हरिबहादुर गुरुंग जी थे जिन्होंने बैरिस्टर पास करने के बाद उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद भारत देश के लिए संविधान आज जिस संविधान से हम चल रहे हैं जिस संविधान को हम मान के चलते हैं जिसको हम पूछते हैं उस चीज को निर्माण करने वाले व्यक्ति ऐसे महान विभूति को हम लोग दार्जिलिंग जिला के खरसांग सब डिविजन के अंदर शिटोंग में हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। और अभी हम लोगों ने निर्णय लिए हैं कि वर्तमान अभी हम लोगों ने सोचे हैं कि फाइबर से ही हमारा करेंगे क्योंकि आज बहुत तकनीक इतना अच्छा हो रहा है कि कम से कम 100-150 साल तक का गारंटी हम लोगों को फाइबर में मिलने का मतलब आशा है। तो इस प्रकार के जो यदि फाइबर की मूर्ति बनते हैं तो हम लोग फाइबर से ही करेंगे क्योंकि अभी हम लोग शुरुआती दौर पे हैं। और इसके लिए अर्थ संग्रह के लिए हम लोगों ने सबसे पहले तो ये हम लोगों का सोच है और इसको पूरा करना आप सभी पत्रकार बंधुओं का भी काम है। और हर घर से हम चाहते हैं कि एक रुपया होने से भी हर घर से निकले और वहां पे पहुंचे क्योंकि एक इतिहास को हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। जब एक इतिहास स्थापित कर रहे हैं तो वो सार्वजनिक इतिहास है। भारतीय संविधान निर्माता का मूर्ति बन रहा है। भारत को स्वतंत्रता दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का संग्रहालय बन रहा है। तो ये भारत देश का हर नागरिक का फर्ज बनता है इस कार्य को सफल करें।